गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। तो गाइस, अभी सुबह के बज चुके 10:39 और आज हम लोग जा रहे हैं सहरसा। तो आपको आज का सहरसा का मार्केट का व्यू दिखाएंगे और दीपावली सामने है तो कई सारी शॉपिंग करनी है, पटाखे खरीदने, फुलझड़ी खरीदने हैं। और इस वक्त देखिए, आज हम इस बाइक से जाएंगे और अंकित ड्राइव करेगा, उसका भी दिखा रहा है। मेरे चाचा जी हुए, हाई कर दिए चाचा जी एक बार, हाई कर दिए। तो मेरे ये द्वार का व्यू हुआ पूरा एकदम, इतना बड़ा द्वार हम लोग का देख लीजिए। तो चलिए, ब्लॉग को कंटिन्यू रहिए, फिर आपसे मिलते हैं। रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे, सारा व्यू दिखाएंगे आपको, और मार्केट कैसा होता है हम लोग का सहरसा का मार्केट, जो कि सबसे बड़ा मार्केट होता है और हम लोग का जिला भी सहरसा ही पड़ता है। फाइनली गाइस, हम लोग सहरसा जाने के रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए अंकित, हाई कर दो एक बार, देख सकते हैं अभी कारू बाबा थान के पास बाइक रुका हुआ है, चल रहे हैं अब हम लोग, कुछ देर में पहुँच जाएंगे। तो चलिए, आप रास्ता का व्यू भी आपको दिखा देते हैं किस तरह का हम लोग है। सहरसा में एंट्री कर चुके हैं, देखिए जाम देखिए कितना लगा हुआ है, जाम काफी है। जाम से निकलना होगा, थोड़ा सा टाइम देख सकते हैं पूरा डेली। अभी सहरसा का रिफ्यूजी कॉलोनी है, अभी सुभाष चौक आगे में सहरसा का है, नेताजी सुभाष चौक। आज धनतेरस भी है ना, बाजार में काफी जाम लगेगा क्या कि आज धनतेरस से लेकर जाम लग सकता है। फाइनली क्या, जब हम लोग महावीर चौक पहुंचे हैं, अभी महावीर चौक चौराहा है, देख सकते हैं इस वक्त यहीं से स्टेशन की ओर चल जाती है। डीवी रोड इधर पर जाता है ना, स्टेशन और डीवी रोड। और ये दुकान को किस तरह से सजाया गया है, क्योंकि धनतेरस है, धनतेरस में तो भाई शॉपिंग वॉपिंग होती है, मोबाइल वोबाइल सब चीज़ की। और ये यही है मंदिर, इस चौक का पहचान। ये रास्ता सीधे आपका चल रहा है स्टेशन की ओर, कोसी अलंकार जो है जस्ट बगल में। और देखिए किस तरह से मार्केट में रस देखने को मिल रहा है, रोड पे भी रस देखने को मिल रहा है, बाजार काफ़ी मतलब एक तरह से भरा पूरा हुआ है। देख सकते सारे ज्वेलर्स वाले भी दुकान को पूरी से सजाए उजा के रखे हैं। ये देखिए पूजा वाले सामान भी पूरी तरह से सजे हुए हैं। और
इधर से जाम में हम लोग फंस चुके हैं। ये गाड़ी इधर से निकलेगा तभी हम लोग निकलेंगे, तब तक हम लोग हवा हवाई के पीछे लगे हुए हैं। धीरे धीरे निकाल अंकित। ये देखिए बाजार का क्या लोकेशन पूरा सजा के रखा गया है, सारे लोग बाजार को सजा के रखे हैं। धनतेरस को लेकर के काफ़ी सारे, मतलब एक तरह से जितने भी सारे दुकानदार भाई लोग वो भी काफ़ी उत्साहित होते हैं, क्योंकि साल का एक ही यही दिन। और ये सिटी कार्ट सहरसा का देख लीजिए, सिटी कार्ट है, मॉल है एक तरह से सहरसा का। और ये हम लोग जाम में, भाई जाम काफ़ी है, जाम में धीरे धीरे करके निकलना होगा हम लोग को। बाजार है आज तो, बाजार तो ज़बरदस्त बाजार की भीड़ है। भाई जाम बहुत भयंकर लगा हुआ, ये देखो कितना जोर से जाम लगा हुआ, जाम काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है। और देखिए पूरा वहाँ तक जाम है। तो गाइस हम लोग शंकर चौक के पास उस वक्त हैं, और ये शंकर चौक का है, ये शंकर चौक के पास जाम लगी हुई है, और ये मंदिर उसकी पहचान। और देखिए भाई खाली एक ई रिक्शा का जाम सबसे दिख लगा हुआ है। जब तक जाम एक लाइन जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी पूरी तरह से तैनात है जाम को छुटाने के लिए। देखिए धनतेरस में किस तरह से बर्तन की बाजार सजी हुई है, बर्तन का बाजार। सहरसा का टीवी रोड हुआ, यहाँ पटाखे की दुकान देखे, पूरा पटाखा लगा हुआ। तो गाइस अभी हम एक दुकान पे आए हुए हैं, जस्ट शंकर सो के पास ही है, शंकर सो को जस्ट पास ही है, ये पीछे मेरे देख सकते हैं। यहाँ पटाखे का होलसेलिंग होता है। चलिए मैं आपको ऊपर से नीचे का कुछ व्यू दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं ये वही रास्ता है, सारे दुकान पे पटाखे, भगवान का पूजा पाठ का सारा चीज़ मिल रहा है इस वक्त, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। और हम लोग भी यहाँ पे हैं, काम गलत नहीं ले रही थी, हम बोले तो गाइस ये होल सेलिंग है पटाखा का। ये देखिए खाली पटाखा यहाँ पे है, पूरा पूरा पटाखा है यहाँ पे, कुछ से पटाखा खरीद रहे हैं। कौन कौन सा सिलेक्ट हो रहा है? सिलेक्ट अभी हो चुका है अपना रॉकेट, और ये रॉकेट नागिन, ये बम, कमांडो, कमांडो उसके बाद हो चुका है, ये भी दिखा दीजिए मैजिक फाउंटेन, ये अनार समझ अनार टाइप में है। ये और भी पटाखे सेलेक्ट किए जा रहे हैं, ये पूरा पटाखा का एकदम बंडल ही है, जस्ट शंकर चौक के पास है ये। बाहर का भी आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं अभी शंकर चौक, देखिए जाम कितना लगा हुआ नीचे में, जाम देखिए भाई बाजार में कितनी थे, एक लाइन से जाम लगी हुई, खास करके ई रिक्शा जिसको हवा हवाई बोलते हैं उसका जाम बहुत लगा। हम लोग यहाँ पे यहाँ पर है होल सेलिंग, यहाँ पे पूरा पटाखा का अवेलेबल है, अंदर में भी रूम है उसमें भी पटाखा है पूरा भरा हुआ। इतना सारा पटाखा खरीदा गया है, ये जितना सारा देख रहे हैं। और ये देखिए सुप्रीम 6 hour 6h आवाज, भाई गजब है। लेकिन ये सारा रॉकेट है गाइस, इसमें रॉकेट ही सारा रॉकेट ही रॉकेट है, पूरा महीना उड़ जाएगा इस रॉकेट पे, सब चांद पे चल जाएगा। और ये देख सकते हैं बुधन चौक, चांद पे जाने का बहुत शौक है। और ये
अनार भए गेला। कमांडर क्या गो लेलिए? 200 लिया, 200 पीस। तो गाइस ये 200 पीस लिया गया टोटल, ये देख सकते हैं। ये हमारी 60 आवाज है, 60 शॉट। और ये रही हमारी 180 कौन सी चीज है? ए सामान ला दिबा कर पकड़े ने। ये रही हमारी, अरे सामान पकड़ा की कलो 180 की चीज सुप्रीम स्पीड 380 अति वाला। अरे 380 एक कर है किसका? 600 ले 600। हां वो पैकिंग कर रहे हैं भैया, पैकिंग कर रहे हैं। सब कुछ चाहिए, पकड़न पकड़न। तो गाइस ये पूरा कार्टून पराका है, फिर वो ब्लू वाला पन्नी में पूरा पराका है। तकरीबन टोटल 13-14 हज़ार का शॉपिंग हो चुका पराका का। अरे गाइस जाम देखिए बाजार का। हेलमेट ले लेना दोनों। जाम लगा हुआ बाजार में, देख सकते गाइस। बढ़िया ठीक ठीक से पानी है कार्टून को। हम लोग देखते हैं जाम भी काफ़ी अधिक लगा हुआ है, देख सकते हैं भरा कर। और कुछ इसका ही रश है मार्केट का। गाइस देख सकते हैं इस रोड में सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉप है, सुधा इलेक्ट्रिक, गांधी पथ सहरसा। ये गांधी पथ हुआ सहरसा का। और यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह का शॉपिंग चल रहा है। देखिए सारा का, देखिए फ्रिज व्रिज सब कुछ, सबसे बड़ा गिन्नी सिलाई मशीन शॉप है, कुछ इस तरह का शॉप सारा का। सारा देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का शॉपिंग चल रहा है। सही लोग सिलाई मशीन का, देखिए टीवी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है एक तरह से। भाई जाम तो लगेगा आज के दिन। आज देखिए लड्डू का दुकान महावीर चौक के पास है। ये महावीर चौक का दुकान है, जय श्री राम मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे लड्डू का एक के जी देखिए यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये रास्ता ऋषि जी कॉलोनी छोटे हुए आती है। और इस वक्त हम हैं सहरसा के महावीर चौक पे। और ये रास्ता आपको चल जाती है डीवी रोड साइड। और ये जो रास्ता है स्टेशन तरफ चल जाती है, तो आपको मैंने बता दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मिठाई का दुकान पे भीड़ देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। ये आपको दिखाते हैं सारा मिठाई का दुकान पे लोगों की भीड़ देखिए, जाम कितना है। कोसी अलंकार ज्वेलर्स के सामने ये पड़ता है, ये मतलब महावीर चौक काफ़ी, यहाँ मंदिर भी है महावीर। और देखिए मिठाई का यहाँ गणेश मूर्ति भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे मिठाई का दुकान पे लोगों की भीड़ सारा, यहाँ की मिठाई का दुकान। मंदिर यही है, नज़र देखिए दुकान पर भी कितना है। यहाँ पे देखिए किताबें बेची जा रही है। अब देखिए जाम कुछ खाली हुआ है यहाँ पे। जाम कितना जाम लगा हुआ है, ये स्टेशन वाली रोड है। एक होल्डर एक प्लग दीजिए। ये लड़ी कितना का था? देखिए ये लड़ी 220 का है।
और कुछ रहा है प्लग होल्डर दीजिए। गाइस जैसे तैसे कहता हुक्का पार्टी, काफ़ी पुराना ट्रेडिशनल हम लोग तो दिवाली में, आपको रात में दिवाली के दिन का वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस ये देखिए सहरसा का कपड़ा मंडी है, अब हम लोग सब्जी मंडी की ओर जा रहे हैं। ये है सहरसा का सब्जी मार्केट, बहुत ही बड़ा मार्केट सब्जी का यहाँ पे लगता है जो कि स्टेशन के पास ही है। देखिए इधर गोभी क्या, गोभी बंदा गोभी 50 रुपए। सब्जी मार्केट में भयंकर जाम है, आलू कैसे है? नया आलू 60 रुपए किलो। देखिए भिंडी आपको यहाँ कितना रस है सब्जी मंडी का, सिर्फ और सिर्फ सब्जी मंडी इधर है। तो गाइस देख सकते इतना सारा पटाखा का शॉपिंग हुआ है, जिसमें सबसे अधिक आपको दीपमिंडी मिल जाएगा ऐसा कि ये लाल वाला पटाखा जो कि चटाई बम है, कुछ इस तरह का पटाखा का पूरा शॉपिंग लग रहा है। शॉपिंग करके आ जाए हैं सहरसा से, तो ये सारा कसवाहा दिवाली के दिन हो जाएगा। तो गाइस देख सकते पटाखा भी लोग धूप में दिए हैं, सूख रहा है। और तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।